अभी अली भट्ट और कैन डॉल के बीच में एक कंट्रोवर्सी चल रही है। हुआ कुछ ऐसे, अली भट्ट ने कुछ ऐसी फोटोज शेयर की जहां पे वो अनंत अंबानी की शादी में थे, मतलब एडिटेड फोटोज थी। तो अली भट्ट की ये पोस्ट शेयर करते ही कैन डॉल ने ये स्टोरी शेयर की, यार डूब मरने का मुकाम है उन सब के लिए अपनी पिक्चर्स फोटोशॉप करके अंबानी की वेडिंग में लगा रहे हैं। इतने थोड़े हुए लोग हो तुम लोग हैं। चलो बंदा कोई फन करता है, कोई मजाक बना देता है ऐसा किस्म का, कोई चिल किस्म का, पर अपनी पिक्चर उठा के लगा देना उसके अंदर, आई मीन लाइक व्हाट द हेल मैन। आपको लगता है कि आप ट्रेंड पे आ जाएंगे, जो चीज़ आपको होम पेज पे नज़र आ रही है उसके हिसाब से आप कुछ भी बना देंगे तो वो चल पड़ेगा? ऐसे नहीं होता मेरी जान, बूथा होना चाहिए ये काम करने के लिए, चूतिया नहीं बन जाते। और ऐसी एक फोटोशॉप फोटो सुनील ग्रोवर ने भी शेयर की थी, जिसको शेयर करते हुए अली भट्ट ने कहा, सुनील भाई अब कोई चूतिया नाचने वाला या वाली कहेगा ये फन नहीं अटेंशन है। और अली भट्ट की यही स्टोरी शेयर करते हुए उमर भट्ट ने कहा, जब लेना मार लड़कियों को गालियां नहीं देते। यार मुझे ऐसे तो कोई इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन हाँ टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, मुझे ना वो लोग इंतहाई बुरे लगते हैं जिसे ना अल्लाह ताला ने अच्छा भला लड़का बनाया होता है और वो फेमस होने के चक्कर में ना लड़की बनने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। मतलब यार किस किस्म की बेगैरती है, कौन सा कीड़ा आपके अंदर के आपको ना जो मर्दानगी से दूर कर रहा है, ठीक है। और मुझे समझ नहीं आती, मतलब क्यों यार, अल्लाह ने आपको अच्छा मतलब लड़का बनाया, आप क्यों लड़की बन रहे हो? और फिर कुछ ऐसी भी, अच्छा मज़े की बात यह है, कुछ ऐसे भी फेमिनिस्ट होते हैं और इन लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। मतलब कि यार हद, कोमे लूत वालों हद। और दूसरी बात ये, मैं उन लोगों के लिए स्पेशल मेरी लाइन है जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं जो लड़का होकर लड़की बना होता, स्पेशल उनके लिए अल्लाह आपको भी ऐसी औलाद दे। अगर आप आम ही नहीं ना बोल सकते तो शर्म करो, बगैर तो शर्म करो।